कंप्यूटर सिक्योरिटी। इस लेसन में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी से क्या मुराद है यानी कंप्यूटर की दुनिया को कौन से खतरा है और इनसे कैसे बचा जा सकता है आपने पिछले लेसन में कंप्यूटर के फायदे और इससे मिलने वाली सहूलियात के बारे में देखा जैसे कि आप जानते हैं कि हर कीमती चीज के गुम हो जाने या चोरी हो जाने का अंदेशा होता है इसी तरह आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा भी बहुत से खतरात से दो चार हैं इन खतरात के लिए हम सिक्योरिटी रिस्क की टर्म इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के सिक्योरिटी रिस्क से मुराद कोई भी ऐसा अमल या वाक़ा है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन या डेटा जाया होने का खतरा हो सिक्योरिटी रिस्क बहुत से हैं इनमें से कुछ का हम जिक्र यहाँ करेंगे हार्डवेयर थैप्ट सबसे पहला खतरा तो आपके हार्डवेयर के चोरी होने का है इसके लिए तो जाहिर है कि एहतियात आपने खुद करनी है कि आपका सिस्टम यूनिट मॉनिटर या कोई भी हार्डवेयर कॉम्पोनेट चोरी ना हो जाए वायरस एक और बहुत मशहूर सिक्योरिटी रिस्क जिसका नाम शायद आपने पहले सुना हो वो कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर वायरस कोई जानदार कीड़ा नहीं है बल्कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को मनफी तरीके से मुतासर करता है और आपके कामों को खराब कर सकता है मसलन हो सकता है वायरस आने के बाद आप जब वर्ड प्रोसेसर चलाएं तो आपका कंप्यूटर खुद रीस्टार्ट हो जाए कुछ वायरस ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं मसलन हो सकता है वायरस आने के बाद आपकी हार्ड डिस्क पर मौजूद तमाम अहम इंफॉर्मेशन जाय हो जाए वगैरह इस तरह के और बहुत से काम हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने ये वायरस सॉफ्टवेयर आपकी नजरों से बचकर अपने आप को आपके कंप्यूटर पर मुंतकिल करता है और फिर तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस आखिर आता कहाँ से है ये किसी भी और कंप्यूटर से जिसमें वायरस हो यूएसबी या सीडी वगैरह के जरिए आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाता है या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ वायरस आपके कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं है वायरस ढूंढता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है इसी तरह ये नए दाखिल होने वाले वायरस को रोकने की कोशिश भी करता है जैसे ही कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आता है ये आपको खबरदार करता है जिस तरह हर रोज नए वायरस आते रहते हैं इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वारे के भी नए वर्जन आते रहते हैं ताकि वो नए आने वाले मुकाबला करके उनको खत्म कर सके अनऑथराइज एक्सेस एक और किस्म का खतरा जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को होता है उसे हम अनऑथोराइज एक्सेस कहते हैं जिससे मुराद ये है कि कोई भी शख्स आपकी इजाजत के बग़ैर आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है इस खतरे से निमटने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इसे इस्तेमाल करने वाला शख्स अपनी शनाख्त करवाए मतलब कंप्यूटर को इस्तेमाल करने से पहले अपना नाम और पासवर्ड लिखे इसका फ़ायदा यह है कि उस कंप्यूटर को फिर सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर पाएगा जिसे उसका पासवर्ड और नाम पता होगा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस वक्त अनऑथराइज एक्सेस का मसला ज्यादा है तो है आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर को एक्सेस करने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आपको पता चल सके कि आपका कंप्यूटर कब और किसने इस्तेमाल किया एक और खतरा ये हो सकता है कि आपने जो डेटा अपने कंप्यूटर में सेव या महफूज किया है वो किसी वजह से खराब हो जाए या गुम हो जाए मसलन फर्ज करें कि आप कंप्यूटर पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं अभी आपने ये प्रेजेंटेशन महफूज नहीं की या महफूज हो रही है और लाइट चली जाती है तो आपका सारा काम जाया हो जाता है इस मसले से बचने के लिए बैकअप का तरीका इस्तेमाल किया जाता है यानी कंप्यूटर में मौजूद तमाम अहम डेटा को वक्तन-फवक्तन कॉपी करके अलग अलहदा किसी यू एस बी सी डी या डी वी डी के अंदर सेव किया जाता है इसे बैकअप लेना कहते हैं बहुत सी बैकअप यूटिलिटीज मौजूद हैं, जो बैकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर पायरेसी एक और अहम खतरा है जिससे पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दो चार है सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई सॉफ्टवेयर कोई और पूछे बगैर कॉपी करके फरोख्त करना शुरू कर दे ऐसा करना सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स किसी सॉफ्टवेयर को चोरी करे या किसी की इजाजत के बगैर उसे कॉपी करके इस्तेमाल और फरोख्त करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है इस मसले से बचने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूजर एग्रीमेंट करते हैं। Summary. इस लेसन में आपने देखा कि हार्डवेयर सिक्योरिटी क्या है और सॉफ्टवेयर को किस तरह की सिक्योरिटी रिस्क दरपेश हैं। कंप्यूटर वायरस से क्या मुराद है वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं डेटा बैकअप क्या है और सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है